बोलिए दिक्कत क्या थी गाड़ी में आपको? गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में रेस होती थी। हाँ, पहले तो सेल्फ मारने पे हो चो 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 जैसे गाड़ी एयर बनाती है वैसे गाड़ी बना स्टार्ट रही थी। नहीं हो रही थी तो स्टार्ट आपने नहीं, डीजल फिल्टर में सब चेंज कर दिए? सब डीजल फिल्टर कंप्यूटर ऑयल फिल्टर कंप्यूटर सब नहीं लगवाए थे? नहीं, कंप्यूटर नहीं लगवाए लगवाया नहीं था थे तब। ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आप जिसे देख सकते हैं यहाँ पे टाटा अल्ट्रा है 15-18। इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है कि हम जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। जो ये अल्ट्रा है रेस हो जाती है, जो आरपीएम इसका 10 पे जाता है। सबसे पहले हम सेल्फ लगा लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं चेक लाइट आ गई है और ये आरपीएम हमारा 10 पे चढ़ गया है और हम जैसे ब्रेक लेंगे आरपीएम हमारा कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रेक लेते ही आरपीएम कम हो जाता है, ब्रेक छोड़ते ही वापस आरपीएम बढ़ जाएगा। डायग्नोस्टिक टूल पे आने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं P0335 का एरर है, जो क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट नो सिग्नल। हमारा जो क्रैंक सेंसर होता है वो इंजन को सिग्नल नहीं दे रहा है, इसके हिसाब से हमारा चेक लाइट आ जा रहा है और आरपीएम हमारा चढ़ जा रहा है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हमको सबसे पहले क्रैंक सेंसर चेक कर लेना है और उसकी वायरिंग चेक कर लेनी है, क्योंकि बहुत लोग हैं डीजल फिल्टर ये सब चेंज कर देते हैं कि प्रॉब्लम वहाँ आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम डायग्नोस्ट करवा लें गाड़ी को, उसके बाद ही हम काम अपना चेक करें। दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं इंजन अल्ट्रा का है और इसके नीचे ही हमारा क्रैंक सेंसर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रैंक सेंसर है और इसके ऊपर ही पंप आता है हमारा, जो डीजल का पंप आता है ना वो यहीं पे आता है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, क्या बोलते हैं आप, सॉकेट और क्रैंक सेंसर को बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इसको निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्रैंक सेंसर है और ये इसकी सॉकेट है। कपलर को निकालते हैं एक बार। कपलर को निकालने के बाद में कपलर में वोल्टेज माप लेते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 2.32 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है पिन नंबर, और अब हम लगाते हैं दूसरे वाले में। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे में कुछ भी नहीं, सिग्नल ही नहीं शो कर रहा है, मतलब कि हमारा ये वायर डैमेज है। तो सबसे पहले हम अपना कपलर चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कपलर डैमेज है, एक नहीं दोनों, ये देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का दोनों डैमेज है। तो हमको सबसे पहले जो हमारा क्रैंक सेंसर है डैमेज भी नहीं है कहीं पे, तो हमको इसका सॉकेट डाल के ये वाला फिर से गाड़ी में लगा के गाड़ी को डायग्नोस करते हैं और सेल्फ लगाते हैं, चेक लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है हमारी। अभी दोस्तों ये सॉकेट लगाने के बाद में हम इसको चेक करते हैं वोल्टेज। यहाँ पे देखिए 2.3 और ये वाले पे आ रहा है, मतलब कि आपके कैन की वायरिंग इसमें चल रही है, जो 2.3 आ रहा है दोनों पर सेम आ रहा है वोल्टेज। यहाँ पे वायर चेंज करेंगे वहाँ पे वोल्टेज सेम आ रहा है, ठीक है। अब इसको टैपिंग करके वापस गाड़ी में लगा के क्रैंक सेंसर को गाड़ी को सेल्फ लगा के और डायग्नोस्ट करते हैं, फिर कोड क्या बन रहा है देखते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे हमने इसका जो क्रैंक सेंसर का सॉकेट था जो कपलर बोलते हैं वो टूटा हुआ था उसकी वायरिंग, तो हमने गाड़ी में जो नया डालने के बाद में अभी गाड़ी को सेल्फ लगा रहे हैं और आरपीएम मीटर चेक करते हैं। देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई बिल्कुल हाफ चाबी पे और यहाँ पे देख सकते हैं पहले आरपीएम 10 पे था, अभी हमारा 7 पे आ गया है। और फिर से एक बार गाड़ी को डायग्नोस्ट कर लेते हैं। जो डायग्नोस्टिक टूल पे यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा P0335 का एरर था, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट नो सिग्नल, वो मेमोराइज में आ गया है, मतलब कि हमारी गाड़ी ओके हो गई है। अभी ये उस्ताद अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इनका काम जो था हमने कर दिया, वीडियो में आपने देखा ही। तो अभी आप सेल्फ लगाइए गाड़ी का। ठीक है वापस बंद करिए।
अभी हम इनसे बात करते हैं। पहले स्टार्टिंग में जो चेक लाइट आ रहा था वो लाइट आ रहा है कि चला गया? वो चला गया। चला गया, अभी कैसा स्टार्ट हो रहा है गाड़ी? अभी अच्छा, जैसे पहले स्टार्ट होती थी वैसा हो रहा है। वैसे रेस हो रही है? नहीं, रेस भी नहीं हो रही है, बराबर हो गया ना। तो अभी कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूंगा कि पहले कंप्यूटर लगवाओ, वो भी सही जगह पे लगवाओ, नहीं तो कभी कभी तो टाटा कंपनी में कंप्यूटर लगाओ तो वो उल्टा सीधा बता देते हैं। बराबर, सही जगह पे कंप्यूटर लगाओ। अपना तो एक तार ही टूटा था ना? एक तार ही टूटा था गाड़ी का। हाँ। लेकिन आप कितना परेशान हो गए? अरे यार कितना, 3-4 दिन से परेशान। 4 दिन से परेशान हूँ, पर अभी काम हो गया ना आपका? अभी ओके, अभी आप एकदम संतुष्ट हैं? ठीक है, तो चलो जय हिंद कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद करो। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।